नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। बिहार में एक और बम्पर भर्ती आपका बिहार कांस्टेबल की जो भर्ती है आ चुकी है। इसका ऑनलाइन आवेदन कब से होंगे, क्या डिटेल एलिजिबिलिटी है, क्या अदर स्टेट वाले इसको भर सकते हैं, रिटेन एग्जाम कितने का होगा, फिजिकल क्या है, इन सब के बारे में डिटेल जानकारी मैं दूंगा। बाकी आप लोग नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और उसे देख लीजिएगा। बाकी जो आपका मैक्सिमम डिटेल है वो मैं आपको यहां पर बता दूंगा, जो एक जरूरी इन्फॉर्मेशन है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको अंत तक कोई दिक्कत होती है इस वैकेंसी को लेकर तो आप अपने प्रश्न को वीडियो के कमेंट में डाल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि यह भर्ती आपकी कब से ऑनलाइन होगी। तो 20 तारीख से आपका लिखा गया है ऑनलाइन आवेदन की पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि जो है वो 20/7/2023 को है, मतलब 20 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। और कब से यह फॉर्म स्टार्ट होगा, तो कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है तो ये देखिए यहां पर बोला गया है कि आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 20 जून से स्टार्ट हो जाएगा और 20 जुलाई तक इसका आवेदन चलेगा। बाकी आपका ये नियमावली वाली दिया है आपको मतलब नहीं है। उसके बाद से मैं यहां पे बता दूं आपको सबसे जरूरी क्या है कि आपका पाठ्यक्रम क्या है। इसका अगर हम पाठ्यक्रम बात करें तो लिखित परीक्षा स्तर पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा। ठीक है, जो आपका परीक्षा होगा वो 10वीं के स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में पहला जो होगा वो हिंदी, अंग्रेजी, दूसरा तीसरा गणित होगा, चौथा सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र होगा, पांचवा आपका विज्ञान होगा, भौतिक रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, और छठवां जो होगा होगा सामान्य ज्ञान, सामायिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी और 2 घंटों में एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए अंक दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियां में होंगी जिसे 1 प्रति अदृश्य कार्बन का प्रति के रूप में चयन पार्षद के पास सुरक्षित रखा जाएगा। मतलब ओवरऑल आपका 100 क्वेश्चन का OMR बेस होने वाला है। ये आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग होता तो यहां शायद लिखता, तो इसलिए 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होगा। ये हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके इस पेपर में रहेंगे। आपको अगर लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करते हो तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, आप अगले स्टेज पे नहीं जाओगे। और जो ये लिखित परीक्षा होगी इसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है कांस्टेबल के, ये क्वालिफाई होगा। क्या होगा? ये क्वालिफाई होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये बिहार कांस्टेबल की भर्ती है, ठीक है, ये लिखित परीक्षा आपका कांस्टेबल होगा। बोला गया है यहां पर देखिए, जो आपके लिखित परीक्षा के बेसिस पर 5 गुना अभ्यर्थी आपके किसके लिए बनाए जाएंगे, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे 5 गुना अभ्यर्थी। ठीक है, अब ये बोला है लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची के आधार नहीं होगा, मतलब इसके बेसिस पर आपका मेरिट नहीं तय होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता जांच माप परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होगा, मतलब जो लोग क्वालिफाई कर लेंगे और मेरिट के अकॉर्डिंग उसको 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। 30% तो मिनिमम आपका रखा ही गया है, 5 गुना आपके अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे किसके लिए, आपके लिए शारीरिक परीक्षा के लिए। वही बोला है कि सिपाही के पद के लिए, यहां देखिए सिपाही के पद के लिए नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम मेगा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन 3 स्पर्धाओं जैसे दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। मतलब आपका रिटेन से मेरिट नहीं बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद से आपका योग्यता क्या होना चाहिए, कौन कौन इसे भर सकता है, तो अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं, कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि अदर स्टेट वाले नहीं भर सकते हैं। यहां बोला है सिपाही के पद में आवेदन हेतु भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता दिनांक 1/8/2022 तक, इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण हो अथवा बिहार राज्य सरकार से मदरसा, अच्छा ठीक है, और शास्त्रीय अंग्रेजी साहित्य अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा क्या हो, मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता रखता हो तो वो आपका वैलिड माना जाएगा। चलिए, अभ्यर्थी की उम्र दिनांक 1/8/2022 तक मैट्रिक अथवा
समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार, मतलब आपका टेंथ के अनुसार जो होगा वो ऐसे आपका एज होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? सामान्य अनारक्षित के लिए आपका क्या होगा, पुरुष और महिलाओं की न्यूनतम आयु 18 से लेकर कितना होना चाहिए, 25 साल होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पुरुष और महिला दोनों। पिछड़ा वर्ग के लिए क्या होगा, एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र आपकी क्या होगी, 18 से और 27 होगा। यहां पर यह पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए है, और यहां पर पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए 18 से 28 वर्ष है। ठीक, और अगर हम बात करें अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के लिए, तो पुरुष एवं महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और सभी कोटि आरक्षण कोटि के बिहार के प्रशिक्षित एवं बिहार में नामांकित गृह रक्षकों को निर्धारित विवाहित अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। बाकी जो लोग हैं मैट्रिक के प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग होगा। अब यहां पर हम शारीरिक दक्षता परीक्षा आपकी अगर देखें तो ऊंचाई सीना वजन के लिए कई अंक दे नहीं है, मतलब ऊंचाई के लिए सीना के लिए और वजन के लिए आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर देखो ऊंचाई क्या है, ऊंचाई अनारक्षित और सामान्य पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए 165 होना चाहिए, मतलब हाइट आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये किसके लिए है, सामान्य वालों के लिए है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 होना चाहिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए 160 होना चाहिए, सभी वर्गों की महिलाओं, महिला किसी भी वर्ग की हो उसके लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। अच्छा, अब सीना की बात कर लें तो सीना सिर्फ पुरुषों के लिए होता है, यहां साफ साफ लिखा है, सामान्य के लिए और पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फूलने पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 5 सेंटीमीटर तो आपका फूलना ही चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद से अंतत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए 81 और 86 ये भी है। अब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए अगर बात करें तो यहां पर आपका बिना फुलाए 79 और फुलाकर 84, 5 सेंटीमीटर तो फुलाव मांगता ही मांगता है, यह ध्यान रखिएगा। महिला अभ्यर्थी के लिए कोई सीना का मापन नहीं है, यह ध्यान रखिए, कोई सीना मापन नहीं है। वजन सभी वर्गों की महिला उम्मीदवार अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 48 किलो होना चाहिए, मतलब जो महिला है किसी भी वर्ग की है उनका 48 से कम नहीं वजन होना चाहिए, 48 किलो होना चाहिए। किन्नर पोथी हिजड़ा या ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे, मतलब जो महिला अभ्यर्थियों का होगा मापदंड आपका शारीरिक वही आपका ट्रांसजेंडर का भी होगा। ठीक है, तो पहला आपका जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, पहला आपका लिखित परीक्षा होगा, वो मैंने आपको बता दिया। लिखित स्तर बिहार विद्यालय के परीक्षा के 10वीं लेवल तक आपका प्रश्न पूछा जाएगा जो ओएमआर बेस्ड होगा, ये ध्यान रखिएगा। 30 अंक प्राप्त करना इसमें जरूरी है, 30% अंक, नहीं तो आप फेल कर दिए जाएंगे। और सिर्फ ये क्वालिफाइंग मार्क तो होगा, लिखित परीक्षा सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, इसके बेसिस पर मेरिट नहीं बनेगा, शारीरिक परीक्षा से आपका मेरिट बनेगा। और देखो इसमें दौड़ है, दूसरा जो चरण होगा आपका यही है आपका फिजिकल, फिजिकल में आपका पहला दौड़ है जिसमें 50 अंक आपको मिलेंगे। ठीक है, अब बोला है कैसे, एक मील 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट दिया गया है इसमें समय, 5 मिनट से कम में अगर आप कर लेते हैं ठीक है तो आपको 50 अंक मिलेगा। अगर आप 5 मिनट 20 सेकंड तक करते हैं, मतलब ऊपर जाते हैं, तो 40 नंबर मिलेगा। 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक और 5 मिनट 40 सेकंड तक रहते हैं तब आपको 30 अंक मिलेगा, और 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर 6 मिनट के बीच में कंप्लीट करते हैं तो आपको 20 अंक मिलेगा। तो समय के अनुसार अगर जैसे दौड़ आप कंप्लीट करेंगे, कितना है 1.6 किलोमीटर का दौड़ है ये, आपका ये ध्यान रखिएगा। सभी कोटि के पुरुषों के लिए, आपके कोई भी पुरुष है उनके लिए यही दौड़ है 1.6 किलोमीटर, जनरल हो या ओबीसी हो। ठीक है, और 6 मिनट से अधिक आप लेते हैं तो आप सफल घोषित कर दिए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब आते हैं दूसरा, क्या बोला है, सभी कोटि के महिलाओं के लिए क्या होगा, 1 किलोमीटर की रनिंग है आपकी, 5 मिनट का आपका मैक्सिमम समय दिया गया है। ठीक है, अगर 4 मिनट से कम समय लेते हैं तो आपको 50 अंक फुल मिल जाएंगे, और 4 मिनट से लेकर 4 मिनट 20 सेकंड लेते हैं, समझ रहे हो, तो 40 अंक,
और 20 से 40 तक कैसे सेकंड लेते हैं, 4 से 20 सेकंड से लेकर 4 40 तक लेते हैं तो 30 अंक, 4 40 सेकंड से लेकर 5 मिनट तक लेते हैं तो 20 अंक, अगर 5 से ज्यादा समय लेते हो तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब आते हैं हम लोग गोला फेंक में, गोला फेंक आपका टोटल कितने का है, 25 अंक का है, 25 मार्क्स का है ये, ठीक है, सभी कोटि के पुरुषों के लिए, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, 16 पाउंड का गोला मतलब 16 फिट फेंकना होगा, ठीक है, 16 फिट आपको फेंकना है, 16 फिट से 17 फिट तक 9 अंक आपको मिलेगा, ठीक है, 17 फिट से ज्यादा और 18 फिट तक फेंक लिए तो 13 अंक, 18 फिट से ज्यादा और 19 फिट तक फेंक लिए तो 17 अंक, 19 फिट से ज्यादा और 20 फिट तक, 19 एवं 20 फीट तक अगर बात किया जाए तो 21, और 20 फीट से ज्यादा अगर आप फेंक देते हैं तो आपको 25 के 25 अंक मिल जाएंगे, है ना, 16 फीट से अगर कम फेंकते हैं तो आप डिस्क्वालिफाई हो जाएंगे, असफल घोषित किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से आपके महिलाओं के लिए बोला गया, महिलाओं के लिए क्या है, 12 पाउंड का गोला 12 फीट फेंकना है, 12 फीट फेंकेंगे तो 9, 12 से 13 के बीच में फेंकते हो तो 13 फीट से 14 फीट तक 13 अंक, 14 से 15 17 अंक, 15 एवं 16 फीट तक 21, और 16 फीट से ज्यादा फेंकते हैं तो 25 अंक आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आप 12 से क्या फेंकते हैं, कम फेंकते हैं तो आपको क्या कर दिया जाएगा, असफल कर दिया जाएगा। ऊंची कूद की बात करें तो सभी पुरुषों के लिए ऊंची कूद कितनी है, 4 फीट, ये 25 नंबर का है, 4 फीट को मतलब 13 अंक मिलेगा, अगर न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट आप कूद जाते हो तो आपको 13 अंक, 4 फीट 4 इंच कूदते हो तो 17 अंक, 4 फीट 8 इंच कूदते हो तो 21, 5 फीट कूद जाते हो तो आपको पूरा का पूरा 25 नंबर मिल जाएगा, और 4 फीट से कम कूदते हो तो आप डिस्क्वालिफाई हो, मतलब मेडिकल एक तरह से बोला जाए फिजिकल बहुत टफ होने वाला है इसमें, ठीक है, क्योंकि फिजिकल के बेस पर आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। इसमें महिलाओं के लिए 3 फीट है, ठीक है, 3 फीट पर 13 अंक, मिनिमम 3 फीट है, 3 फीट 4 इंच कूद जाती है तो 17, 3 फीट 8 इंची पर 21, और 4 फीट पर इनको 25 अंक मिल जाएगा, और 3 फीट से कम कूदेंगी तो इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर यही बोला गया है, हाँ सब यहां पर देखिए क्या बोला गया, नियत समय पुरुषों के लिए 6 मिनट और महिलाओं के लिए 5 मिनट में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को गोला फेंक, ऊंची कूद स्पर्धा और न्यूनतम विनिश्चित मानदंड पूरा नहीं करने का पर असफल घोषित किया जाएगा, तथा ऐसे अभ्यर्थियों को अन्य स्पर्धा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सभी स्पर्धाओं में अलग अलग सफल होना होगा, मात्र गोला फेंक और ऊंची कूद में अधिकतम 3 मौका दिया जाएगा। मतलब आपको जो गोला फेंक है और कौन सा है, ऊंची कूद है, इसमें आपको अधिकतम 3 मौका दिया जाएगा। अगर 3 मौका में आप उतना जो मिनिमम क्वालिफाइंग उस जो मिनिमम उसका रेंज है वो नहीं पार कर पाते हो तो आप डिस्क्वालिफाई हो जाओगे, बाकी आपका नहीं होगा, ठीक है। आपकी जो सूची होगी, जो मेरिट लिस्ट होगी, वो संयुक्त रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। मतलब पूरा पूरा सिलेक्शन आपका फिजिकल के बेसिस पे होगा, तो जिन बच्चों का फिजिकल बहुत अच्छा है वो भर सकते हैं। और यहाँ पे वैकेंसी मैं बता दूं तो 8,556 आपके आरक्षित है, मतलब जनरल के लिए है, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यू के लिए 2140, अनुसूचित जात 3400, अनुसूचित जनजात 228 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 3842, और पिछड़ा वर्ग जिसमें 56 ट्रांसजेंडर की वैकेंसी है वो 2570 है, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए टोटल 655 वैकेंसियां आपकी इसमें है, 21,391 पोस्ट पर यह भर्ती निकाली गई है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपकी जनरल सी चीजें हैं, आप उसे पढ़ लीजिएगा जो दिया गया है, महिलाओं के लिए कुछ प्रावधान दिए गए हैं उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ट्रांसजेंडर के लिए क्या प्रावधान है, ठीक है। बाकी जो भी चीजें आपकी अंतिम होंगी वो 1/8/2022 निर्धारित की, यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों को, गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता और प्रशिक्षण की तिथि के लिए कट ऑफ तिथि 1/8/2022 की है, ये ध्यान रखिएगा, 1/8/2022 ले रहा है, इतनी तक आपका क्या होना चाहिए, आपको पूरा सब कुछ कंप्लीट कर लेना चाहिए, एज जो भी होगा, ठीक है।
लिखित परीक्षा और शारीरिक के बारे में बताई दिया है। 20 तारीख से आपका फॉर्म ऑनलाइन होगा। ₹180 का आवेदन पत्र है, मतलब आपको ₹180 में आप फॉर्म भर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपका यहाँ पर जो दिया गया उसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। वही बोला गया अगर फर्जी चीजें करते हो तो आप पकड़े जाओगे। ये सब आप फॉर्म कैसे अपलोड करना है ये सब आपको पूरा डिटेल दिया गया। अगर आपको कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी आप नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा। और जो बच्चे इच्छुक हैं लिखित परीक्षा के लिए तैयारियां करना चाहते हैं कि परीक्षा प्लस उनके लिए कुछ योगदान दे, तो आप वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं। जिन्हें भी तैयारी करना होगा पूरी हेल्प करेगी परीक्षा प्लस टीम आपको। और जो भी आपकी समस्या होगी कांस्टेबल भर्ती के लिए बिहार का, आप कमेंट करिएगा, हम उस पर आपकी वीडियो बना के आपके समस्याओं का समाधान कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।